नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। हापुड़ एसडीएम सत्यप्रकाश सदर व सीओ एस एन वैभव पांडे और कोतवाली प्रभारी सोमवीर सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ कोल मार्केट, सराफा बाजार, अतरपुरा चौराहा पर निरीक्षण कर सभी व्यापारी और बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से घर पर रहने की अपील की और जो अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालान काट वैधानिक कार्रवाई भी की। बाइट सत्यप्रकाश, एसडीएम हापुड़। काल चल रहा है, ये एक संक्रमण की बीमारी है। आप लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। कोई भी व्यक्ति बिना किसी आवश्यक कार्य के रोड पर ना आए। जो भी व्यक्ति रोड पर निकले मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग जो इधर सख्ती कर रहे हैं, जिससे कि लोग अनावश्यक रूप से जो बाहर घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। लोगों से ये अपील है, जो अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और कम से कम संख्या में निकलें, जिससे क्या हो कि संक्रमण की चेन जो है टूट सके। सर, आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? चालान किए जा रहे हैं, जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, बिना किसी कारण के घूम रहे हैं, उनके गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। कोई मास्क नहीं पहने हैं तो उनके चालान किए जा रहे हैं। जहां देश में कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है, वहीं पिछली बार की बजाय अब की बार गांव तक कोरोना का कहर पहुंच चुका है। गांव में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं और कुछ ही दर्दनाक मौतें भी हुई है। वहीं इस सब को लेकर ग्राम प्रधानों ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। गाँव में ये महामारी भयानक रूप ले रही है, इससे बचने के लिए ग्राम प्रधान अपने अपने गांव में सैनिटाइज करा रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला गोवर्धन के गांव डिरावली में, जहां नवनिर्वाचित प्रधान ठाकुर धनीराम ने आज अपने गांव में खुद फॉगिंग मशीन से सैनिटाइज का छिड़काव किया। गांव के हर गली घर घर जाकर ग्रामीणों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। प्रधान ने बताया कि गांव की जनता ने जो प्यार उसे दिया है, उसका कर्ज वो गांव के विकास कार्य करके चुकाएंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा से एक वर्दीधारी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक वर्दीधारी की कॉलर पकड़कर मारपीट करता नजर आ रहा है। मामला जनपद महोबा के कुलपहाड़ थाना के पास गोंदी चौराहे का है, जहां पर एक वर्दीधारी के साथ की जा रही मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक वर्दीधारी पुलिस वाले की कॉलर पकड़कर मारपीट करता नजर आ रहा है और पुलिस वाला बेबस और मजबूर होकर पिट रहा है। वायरल वीडियो की जानकारी करने पर पता चला कि उक्त वीडियो जनपद की कोतवाली कुलपहाड़ की गोंदी चौराहे का है, जहाँ एक महिला चाय की दुकान किए है। पुलिस वाला व्यक्ति चाय की दुकान पर पहुंचकर महिला के साथ अभद्र बर्ताव करता है, जो महिला दुकानदार के पुत्र को नागवार गुजरता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हालांकि उक्त वीडियो समूचे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किए 1,00,000 रुपए मांगने पर पति यानी बीसी संचालक की दबंगाई का मामला सामने आया है। पैसा मांगने गए पीड़ित की दबंगों ने न सिर्फ पिटाई की बल्कि पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पीड़ित ने थाना दक्षिण पहुंच पुलिस में तहरीर दी और न्याय की गुहार लगाई है। मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के मोहल्ला कोटला में रहने वाले निराली खां उर्फ अब्दुल हई खान का है, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 वर्ष पूर्व नाला खजूर वाली गली निवासी पीसी संचालक मुकरम और उसके भाई फैजान उर्फ पेंटर के यहाँ पत्ती डाली थी, जिस पर 1,00,000 रुपए बकाया रह गया था, जिसमें से उसने 46,000 रुपए लौटा दिए। वही बाकी रुपए देने के लिए 1 साल से टाल मटोल कर रहा है, जिसे मांगने के लिए जब आज निराले खां मुकरम के घर पहुंची तो बीसी संचालक ने दबंगई दिखाती हुई उसकी पिटाई कर दी और पुलिस में शिकायत करने पर चांद से मारने की धमकी देकर उसे भगा दिया। पीड़ित ने तुरंत थाने पहुंच आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हाँ, मेरी बीसी पड़ गई थी, बीसी डालते हैं वो लोग, मुझको मालूम नहीं, ये लोग बेईमान आदमी है। मेरी 1,00,000 की बीसी थी, मुझे 1 साल से घुमा रहे हैं, मेरे पैसे नहीं दे रहे। 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपये में बड़ी मुश्किल से मुझे 46,000 रुपये दिए और 1 साल से मुझे घुमाते चले आ रहे हैं। आज मैं पैसे लेने गया उनके घर पर, तो पहले तो उन्होंने कहा कि जा, मुझे बीसी पैसे नहीं है तुम पर। फिर मेरा विवाह उन्होंने करा मेरे संग, बदतमीजी गाली गुप्तारी करी, गाली गुप्तारने बाद उन्होंने मुझको मारा, मुझे ज़मीन पर गिरा के मारा, मेरे मुँह पर भी तमाम मारा और गले में मेरे गर्दन पर लात धर दी और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी।
और ऊपर से दुनाली बंदूक निकाल के मुझे धमकी दी उन्होंने, अगर तू कहीं गया पुलिस में गया तो तुझमें गोली मार देंगे, हम तेरे घर पे जाकर गोली मार देंगे। कौन लोग हैं वो? मुकर्रम है और फैजान। कहाँ रहती है? ये नाले में हल्ले पे रहते हैं साहब, और सब गुंडे लोग हैं ये लोग, निरे लोगों का पैसा मार चुके हैं साहब ये लोग, बहुत इनसे सब लोग परेशान हैं बहुत। नेता नहीं, बस पैसे में फूल रहे हैं, तेरा मेरा पैसा मार के साहब पैसे वाले हो गए हैं, हथियार है उनके पास, सबको धमकाते हैं डराते हैं। हम गरीब आदमी, हमने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे, वो पैसे इन्होंने हमें नहीं दिए। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम कोटला महल्ले के रहने वाले हैं साहब। वो लोग कहाँ रहते हैं? वो नाले महल्ले पर रहते हैं साहब। तो आज थाने में एप्लीकेशन दिए क्या? जी साहब, हमने आप थाने में एप्लीकेशन कर लिया साहब, निवेदन है हमें कि हमें साहब इंसाफ पैसे दिलवा दिए जाएं, हम बहुत गरीब आदमी हैं। शादी के पैसे रखे थे? हमारी शादी बेटी के रखे हुए थे, फिर हमने बेटी की शादी उधार लेके हमने शादी की, अब वो लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, अब पैसे इनसे लेने गए, इन्होंने हमें मारा, हम बुढ़े आदमी, हमें निरो डंडों से मारा, हमारे पैरों में भी मारा। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मीना चौहान के साथ रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में चेयरमैन पति ने किया सैनिटाइजेशन। शिकोहाबाद क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बीच पालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम के पति अब्दुल वाहिद ने खुद ही कमान संभाल ली। उन्होंने मैनपुरी रोड स्थित मलिन बस्ती, रमेश नगर, आवगंगा, शमशान घाट के अलावा अन्य स्थानों पर पहुंचकर स्वयं सैनिटाइजेशन किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सभी की चिंताएं बढ़ गई है। पालिका लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सभी वार्डों में निरंतर सैनिटाइज और फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरी कार्य हो तभी घर से निकले तो मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, घर पर समय समय पर हाथों को साबुन से धोएं, घर पर रहे सुरक्षित रहे। इस दौरान स्वच्छता आयु अवधेश कुमार, प्रकाश प्रभारी नानक चंद कश्यप के अलावा अधिकारी और कर्मचारी आदि मौजूद थे। इससे पहले भी मेरी नगरपालिका बराबर, सुखाबाद नगरपालिका बराबर अपना सैनिटाइज का काम कर रही है, रोज़ाना लोगों को हर मोहल्ला बराबर सैनिटाइज कराया जा रहा है। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं, जब मैं खुद से कर रहा हूं, आप लोग अपने घर की सफाई भी रखें और मुंह पे मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का बराबर ध्यान रखें, जिससे कि ये महामारी जो फैली हुई है इसका इलाज कोई नहीं है, इसका बचाव ही इलाज है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखें और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस चीज़ को ध्यान रखें। कहाँ कहाँ पर आपने सैनिटाइजर किया था? आज मैंने आगंगा किया था, रमेश नगर करा था, और रमेश नगर किया था, और एक मलिन बस्ती जो मैनपुरी रोड पर है उसमें अपने हाथों से सैनिटाइज करके आया। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से साइमा खान के साथ रिहान अली की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।